everyone, welcome to our maths session. And today is our day 3 of maths lecture. In previous lecture we learned about how to write 6 digit number, how to read 6 digit number and solve problem set based on this topic. So today our topic is introducing 7 digit number. Aaj kya hai, aaj ka topic hai aapka introduction to 7 digit number. आपने पहले सेशन में देखा था कि 6 डिजिट नंबर कैसे राइट अप करना है, कैसे लिखना है या फिर रीड कैसे करना है, जहां तक आपने लैक्स तक सीखा था. आज उसके आगे सीखना है, मतलब आज सीखना है आपको 7 डिजिट नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था आपको कि लार्जेस्ट नंबर राइट अप क्या होता. तो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. यस, 9,99,999. If we add 1 to it, what we get? So add 1 here. 9 plus 1, 10. तो क्या मिला अभी यहां पे आपको, 10 lakh मिला. तो यहां पे डिजिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्या मिला आपको, 7, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. मतलब अगर आप लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा. तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको 7 डिजिट नंबर का, लेकिन आप अभी क्या देखेंगे हम, हाउ टू रीड दिस नंबर. सो सपोज लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल हियर. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉ किया है, उसकी प्लेसेस भी लिखी है और यहाँ पे डिजिट लिखे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ ऐसे रीड करेंगे, 3, 1, 2, 5, 7, 4, 5. सो रीड दिस नंबर, यहाँ पे देखो 1 की प्लेस पे 5 है. सो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. देखो ये जो है 10 lakh, ये आपका न्यू आ रहा है ना. प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ लैक्स तक स्टडी किया था, इस पर प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व किया था. अब 7 डिजिट नंबर में कौन सी प्लेस ऐड हो रही है, 10 lakh. तो इसको कैसे रीड करेंगे, अब 31,25,745. क्या रीड करेंगे हम इसको, अभी 10 lakh आपकी ये प्लेस क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, जो कि 7 डिजिट नंबर में. मतलब आपको ये करना है, 7 डिजिट नंबर रीड करते वक्त कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, अभी 10 lakh से. ये हो गया आपका रीडिंग, इंट्रोडक्शन हो गया 7 डिजिट नंबर का, रीडिंग भी हो गई अभी. अब इसको राइट अप कैसे करना है, तो यहाँ पे अलग से आपको टेक्सटबुक पर टॉपिक नहीं दिया है कि राइट कैसे करना है. तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सेट को उसमें ही मैं आपको बता दूंगी कि ये नंबर कैसे राइट करना है या फिर उसका स्पेलिंग कैसे राइट करना है. सो तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 6. लुक एट द टेक्स्ट बुक, प्रॉब्लम सेट 4, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स. क्या करना है आपको, नंबर को रीड करना है, उसको राइट करना है. देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है वो आपको घर पे करना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड है वो मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ. तो चलो इसको रीड करेंगे सब. फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. सो यहाँ पे क्या गया, 30,70,506. क्या करेंगे यहाँ पे, 30 lakh लैक. तो ये हो गया 50 लैक. कितने जीरो से काउंट करो, तो इसमें 1, 2, 3, 4,
लैक में कितने जीरो आएंगे? फाइव जीरो आएंगे। सो ये नंबर मैंने यहाँ पे ऐसा राइट अप किया। अगर समझो आपको इसका उल्टा करना है, मतलब स्पेलिंग दिया है और आपको क्या करना है, फिगर्स में लिखना है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया नहीं है प्रॉब्लम सेट में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ। सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल। सपोज आप क्या करो,
वही स्पेलिंग्स राइटअप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम बाकी का जो है अगला टॉपिक द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स, हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।